कराची में मुजरे सेहत खाना खाने से जान भाग होने वाले दोनों बच्चे मनोमट्टी तले जा सोए मासूम बेटों को कफन में देखकर बाप रो पड़ा। नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार, बच्चों की मां की हालत तश्वीशनाक। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और रिटायर्ड कैप्टन सफदर की सजा माफी के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। अदालत 12 दिसंबर को समाअत करेगी। मुकदमा फौजदारी है, जमानत का नहीं, सजा मौतली का है। हमने इंसाफ करना है। हाईकोर्ट का फैसला मौतल भी कर सकते हैं। देखेंगे कि इस मामले पर लार्जर बेंच बनाया जाए या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। पाकपतन में महकमा औकाफ की जमीन पर दुकानों की तामीर का केस, नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। साबिक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर यूसुफ खान नोटिफिकेशन का जिम्मेदार करार। साबिक वजीर आजम का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। चेयरमैन नैब का दौरा लाहौर, डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की लाहौर रीजन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की अहम केसेस में तहकीकात को मजीद तेज करने की हिदायत। कहते हैं नैब करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए कोशां है। करप्शन करने वाले एक आमा लेकर तहकीकात से बचते रहे, हुकूमतों में शामिल लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलाविस रहे। मनी लॉन्ड्रिंग से 700 अरब रुपए बैरून मुल्क भेजा गया। सिर्फ दुबई में 10 साल में 15 अरब डॉलर की जायदाद बनाई गई। 24,000 अरब रुपया कहां लगा, हुकूमत हिसाब लगा रही है। फजलुर रहमान चाहते हैं कि एहतसाब रोकने के लिए हुकूमत को गिराया जाए, मगर अब एहतसाब से बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। सेनेटर फैसल जावेद और शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद को मॉडल सिटी बनाने का हुक्म। शहर इक्तदार के लिए पैकेज तैयार करने की हिदायत। कहते हैं लैंड माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीबों की जमीन हथियाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। वजीर खजाना असद उमर से आपके माह के वक्त की मुलाकात। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल पर ब्रीफिंग। सीनियर रहनुमा गौर एजाज कहते हैं कि पूरे मुल्क में गैस का यकसां टैरिफ होना चाहिए। गैस और बिजली सस्ती मिले तो चीन को बरामदात बढ़ा सकेंगे। हुकूमत ने तहफुजात दूर कर दिए हैं। सिंध में इंसाफ मिल सके मुंतजर अफराद के लिए बड़ी खबर। 1908 के कोर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तरामीम का फैसला। इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए मुकदमे में सालसी कराई जाए। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान की पहली पोजीशन बरकरार। बैटिंग में बाबर आजम पहली पोजीशन पर कायम। हफीज की 16 दर्जे तरक्की, 53वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग में शादाब खान दूसरे, फहीम अशरफ सातवें और इमाद वसीम 8वें नंबर पर। और मिदत मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत। 24 न्यूज़ के साथ अपनी पसंदीदा नात के दो बोल अपनी आवाज़ में भेजें। व्हाट्सएप नंबर 03171242424 पर। हम दिखाएंगे पूरे